Hi guys, welcome back to another video. My name is Archita and I welcome you all. Because summer is तो बहुत ज़्यादा peak पे चल रही है, इतनी ज़्यादा लू चल रही है, weather भी जो है वो बिल्कुल extreme पर है इस time पे. So it's very important कि हम अपने skin को cool down करें and at the same time उसका ध्यान रखें. Because summer का जो skin पे main problem आता है वो आपका irritation होता है, pimples आ जाते हैं, acne आता है, excessive oil हो जाता है, हमको tanning का issue आ जाता है, redness आ जाता है because of the excessive heat. So it's very important कि हम अपने स्किन को प्रिवेंट करें एंड एट द सेम टाइम उसको थोड़ा सा कूल डाउन करें. सो आज के वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल द DIY मास्क जो हमारी स्किन को कूल डाउन करने में हेल्प करेंगे एंड एट द सेम टाइम पिंपल, एक्ने, टैनिंग से भी आपकी हेल्प करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट DIY मास्क. फर्स्ट मास्क है वो कुछ ऐसा है एंड यू कैन सी इसमें ये मिंट लीव्स हैं, प्लस मैंने मिलाई है मुल्तानी मिट्टी अलोंग विद सम हनी. तो मुल्तानी मिट्टी और जो आपके मिंट लीव्स होते हैं साथ में आपका हेल्प करते हैं टू रिड्यूस दैट एक्सेस ऑयल, साथ ही साथ वो आपके पिंपल एक्ने में भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं. अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर आप ऑफिस जाते हो, अगर आपको धूप में निकलना पड़ता है देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आप अपने फेस पे एटलीस्ट हफ्ते में एक बार लगाओ. एंड नॉट ओनली इफ यू आर गोइंग आउट इन द सन बट रेगुलरली भी आप को अपने फेस पे लगा सकती हो क्योंकि आपकी स्किन को कूल डाउन करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा. मैंने इसमें कितना रेशियो लिया है मैं ये इसका सारा डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगी आप लोगों के लिए. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वन. ये थोड़ा सा ड्रिपी ड्रिपी सा बनता है एंड वी गोना अप्लाई दिस. अगर आपको एक्ने आता है बार बार तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा एंड ब्लेमिशेस कम करने में भी हेल्प करती है. सो आई एम गोना अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस. आई हैव अप्लाइड क्वाइट अ थिक लेयर ऑफ इट क्योंकि ये काफी ज्यादा ड्रिपी है. तो आप इसके दो तीन लेयरिंग कर लो विच विल गिव यू लाइक मोर इफेक्ट. अपना नेक भी कवर कर लेना एंड नाउ आई एम गोना वेट फॉर 10 मिनट्स. उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. 10 मिनट्स हो चुका है एंड ये मेरे स्किन में काफी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है बट एट द सेम टाइम कम्प्लीटली ड्राई आउट नहीं हुआ बिकॉज इसमें मैंने हनी ऐड किया था फॉर द एक्स्ट्रा हाइड्रेशन और मैं चाहती भी नहीं हूँ ये कम्प्लीटली ड्राई आउट हो जाए, उसको फिर निकालने में दिक्कत हो. तो मैं अभी इसको करूंगी फेस वॉश एंड देन आई एम गोना सी यू आफ्टर दैट. आफ्टर द वॉश दिस इज हाउ माई स्किन लुक. काफी ज्यादा क्लीन तो हुई है लाइक मुझे खुद से फील हो रहा है बट देयर इज वन थिंग, अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है देन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हनी डालना पड़ेगा. इट विल गिव यू द एक्स्ट्रा नरिशमेंट एंड द हाइड्रेशन क्योंकि ये जो मास्क है ये आपका एक्सेस ऑयल, एक्ने और पिंपल के लिए काम करेगा. ये मास्क हटाने के बाद सिर्फ एक मैं स्प्रे करूंगी हाइड्रेशन मिस्ट और उसके बाद अपना सनस्क्रीन एंड आई एम गुड टू गो आफ्टर दैट. आप भी ये मास्क ट्राई करना एंड डू लेट मी नो. सो नाउ इट्स द टाइम टू ट्राई आवर सेकंड DIY मास्क विच इज आर रेजुविनेटिंग ग्रीन टी मास्क. यू नो हाउ बेनिफिशियल ग्रीन टी इज. काफी सारे ब्रांड्स ने प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं बिकॉज यू गेट द इमेंस बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो आज के वीडियो में हम वही तैयार करेंगे अपना ग्रीन टी मास्क. फॉर दैट आपको चाहिए होगा एक ग्रीन टी बैग और साथ में एलोवेरा और हनी. तो आपको ब्रू करना है एक नॉर्मल से पानी में एंड यू विल गेट जो ग्रीन टी वाला टेक्स्चर होता है जब वो पानी का कलर वैसे में कन्वर्ट हो जाए. फिर हमें इस पानी को थोड़ा सा लेना, इस पानी को अदरवाइज बहुत ज्यादा ड्रिपी हो जाएगा. उस पानी को हनी में एंड एलोवेरा में हमको ऐड करना है. ऐड करने के बाद यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ये थोड़ा सा गुई टाइप है बट सीम्स वेरी हाइड्रेटिंग बिकॉज ग्रीन टी विल हेल्प यू विद द फाइन लाइन्स. अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा होते हैं देन उसके लिए ये मास्क काफी ज्यादा हेल्प करेगा. एट द सेम टाइम हमने इसमें ऐड किया एलोवेरा. एलोवेरा जो है आपका कूल डाउन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है समर्स में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सनबर्न से भी आपको हेल्प करता है, हाइपर पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है, प्लस इट गिव्स यू द हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट. को डबल हाइड्रेट करने के लिए वी हैव एडेड द हनी सो विच इज अगेन ग्रेट फॉर योर स्किन इफ यू वॉन्ट एक्स्ट्रा नरिशमेंट. सो आफ्टर द एप्लीकेशन दिस इज हाउ इट लुक्स. ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है बिकॉज ऑफ हनी एंड बिकॉज ऑफ द एलोवेरा. इसमें ग्रीन टी वाला फ्रेग्रेंस भी आ रहा है. सो अगेन आई एम गोना लीव इट फॉर 10 मिनट्स और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. सो आई एम बैक आफ्टर 10 मिनट्स और ये जो मास्क है मेरी स्किन में काफी अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है. नाउ इट्स द टाइम टू वॉश इट. बट आई मस्ट टेल यू कि मुझे काफी ज्यादा अपनी स्किन ना हाइड्रेटेड लग रही है. लाइक यू कैन ऑल्सो सी दिस काइंड ऑफ अ शाइन दैट माई फेस इज गॉट आफ्टर दिस मास्क.
सो नाउ इट्स अ टाइम टू वॉश इट ऑफ. सो दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स आफ्टर द वॉश एंड ट्रस्ट मी ये मास्क मुझे काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग लगा. एंड आई होप इट इज गोइंग टू हेल्प यू एज वेल इन दिस समर. अभी ट्राई करते हैं हमारा थर्ड मास्क विच इज अ बनाना मास्क. तो उसमें मैंने लिया है पीस ऑफ बनाना और उसमें मैंने एड किया है सम हनी अलॉन्ग विथ सम लेमन ड्रॉप. सो अगर आपको टैन रिमूव करना है, क्लियर स्किन चाहिए, एक्सेस ऑयल अपने फेस से हटाना है, एट द सेम टाइम यू वॉन्ट टू ब्राइटन योर स्किन, दिस मास्क इज गोइंग टू वर्क ग्रेट फॉर यू. सब मिलने के बाद ये कुछ ऐसा इसका टेक्सचर आएगा. सो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी सॉफ्ट क्योंकि हमने इसमें एड किया है लेमन ड्रॉप्स विच मीन्स यू हैव एडेड विटामिन सी. सो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू ब्राइटन अप योर स्किन एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू फाइट द एक्ने और हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करने में हेल्प करेगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू अप्लाई दिस मास्क. आप इसको फुल बॉडी पे भी लगा सकते हो अगर आपको टैनिंग रिमूव करनी है तो. आई एम गोना अप्लाई इट नाउ. I have applied it and again I'm gonna wait for 10 minutes. मैंने अपने जितने भी मास्क अभी तक रिमूव किए हैं वो मैंने नॉर्मल वाटर से किए हैं. लाइक आई एम नॉट यूजिंग द कोल्ड वन, आई एम जस्ट यूजिंग द रेगुलर वाटर. सो आई एम बैक आफ्टर 10 minutes. ये मास्क ड्राई हो गया है. नाउ इट्स अ टाइम टू वॉश इट ऑफ. सो आफ्टर द वॉश दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स और ये काफी ज्यादा नरिश लग रही है. एंड ट्रस्ट मी यू कैन डेफिनेटली अप्लाई दिस इफ यू आर लुकिंग फॉर द टैन रिमूवल एंड एट द सेम टाइम इफ यू वॉन्ट अ क्लियर स्किन. आई थिंक दिस मास्क इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर योर स्किन. बट हर मास्क को हफ्ते में एक से ज्यादा बार मत लगाना, मैक्सिमम दो बार, नॉट मोर देन दैट फॉर श्योर. और अभी हम ट्राई करते हैं आज का लास्ट मास्क which is my favorite not only as a mask but मैं उसको खाती भी बहुत ज्यादा हूँ, which is the cooling cucumber mask. So yes, for that we're gonna need the cucumber and उसमें हम add करेंगे थोड़ा सा curd for our glowing and the hydrating skin. Cucumber जो होता है वो आपका excess oil dryness को fight करने में help करता है. At the same time if you have any enlarged pores वो उसमें भी काफी ज्यादा आपकी मदद करेगा. और जो उसमें जो पानी होता है वो hydrating तो होता ही है हमारे skin के लिए. At the same time अगर हम curd की बात करें, curd जो है वो बहुत ज्यादा रिच होता है, आपके जितनी भी अनइवन स्किन टोन है उसमें भी हेल्प करेगा. इट विल हेल्प यू टू एक्सफोलिएट और आपको नरिशमेंट और हाइड्रेशन तो भरपूर मिलेगा उससे. सो अभी हम ट्राई करते हैं हमारा आज का लास्ट मास्क. ये कुछ देखने में आपका ऐसा इसका कंसिस्टेंसी रहेगा एंड ये थोड़ा सा एक्सफोलिएटर की तरह भी काम करेगा. सो इफ यू आर अप्लाइंग इट ऑन योर फेस तो थोड़ा सा उसको जेंटली लगाना. और मैं ऑनेस्टली क्यूकम्बर कर्ड बहुत ज्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और समर्स में तो बहुत ही ज्यादा. यार ये सारे मास्क लगा लगा के ना मतलब स्किन क्लियर तो हो जाती है ऐसे. दिस एक्चुअली वर्क. सो माई दिस मास्क हैज कम्प्लीटली ड्राइड आउट आफ्टर 10 to 15 minutes ऑफ अप्लाइंग दिस. बट ये मेरी स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है. लाइक आई कैन फील इट्स वेरी वेल नरिश्ड. नाउ इट्स अ टाइम टू वॉश इट ऑफ एंड फाइंड आउट द रिजल्ट. सो वॉश करने के बाद मेरी स्किन काफी ज्यादा हाइड्रेट हो गई है. नाउ इट्स द टाइम टू अप्लाई द सनस्क्रीन ऑन इट. जब भी आप कोई मास्क लगाते हो उसके बाद सनस्क्रीन लगाना मत भूलना. सो यस, दीज वर माई 4 समर DIY मास्क जो आपको प्रिवेंट करेंगे काफी सारी चीजों से एंड एट द सेम टाइम इट विल कीप योर स्किन कूल. आई होप ये जो सारे DIY हैं आपकी भी उतनी ही हेल्प करे जितनी मेरी करते हैं, यू नो, टू फाइट दिस एक्सट्रीम हीट. आई होप इट इज गोइंग टू डू द सेम मैजिक फॉर यू एज वेल. एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको भी इन मास्क के बारे में अवेयर कराओ सो दैट दे कैन ऑल्सो अप्लाई दीज मास्क एंड टेक एन एडवांटेज आउट of it. And do not forget to subscribe to my channel and I will see you guys in my next video soon. Till then, take care and bye bye.